आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 रुपए कीमत पर खरीदी। उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2000 रुपए खर्च किए। उसने उनमें 5 साइकिलें प्रत्येक 750 रुपए की कीमत पर बेची और शेष प्रत्येक 550 रुपए की कीमत पर। तदनुसार उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत कितना रहा? तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले, अगर चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये बताओ, रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक, जो कि प्रत्येक 500 रुपए कीमत पर खरीदी, तो मतलब यहां पर एक साइकिल का मूल्य क्या हो जाएगा? एक साइकिल का जो मूल्य होगा कितने रुपए होगा? 500 रुपए, है ना? तो 10 साइकिलों का मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 500 × 10 कितना हो जाएगा? 5000 रुपए। क्लियर? उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2000 रुपए खर्च कर दिए, तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा? 5000 प्लस 2000 रुपए खर्च भी कर दिया और अलग से, ठीक है, मरम्मत पर, तो कितना हो जाएगा मूल्य? 7000 रुपए लागत मूल्य हो गया। क्लियर? आप प्रश्न कह रहा, उसने उनमें 5 साइकिलें प्रत्येक 750 रुपए की कीमत पर, मतलब एक साइकिल का कीमत 750 रुपए की कीमत पर 5 साइकिलें बेची, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 750 × 5 प्लस शेष 5 साइकिलें प्रत्येक 550 रुपए की कीमत। शेष का मतलब 5 साइकिलें और बची ना, तो वही 5 साइकिलें जो है 550 रुपए में, मतलब एक साइकिल उनमें से 550 में बेची, तो 5 साइकिलों का शेष 550 रुपए में बेचा। ठीक, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते, 5 × 0 = 5, 5 × 25 = 5, 6 × 2, 5 × 7 = 35, 2 = 37 प्लस 5 × 0 = 0, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 2 = 27 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 जुड़ जाएगा, 5 × 5 = 10 = 0, 1 = 1, 7 × 7 = 14, 1 × 15 = 5, 1 = 1, 3 × 5 = 6, 6500 रुपए ये विक्रय मूल्य हो गया और ये हो गया लागत मूल्य। ठीक, अब यहाँ पर लागत मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हानि, है ना? तो हानि निकलेगा कैसे? क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य घटा देंगे, क्या मिल जाएगा हमें? 500 रुपए। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो कुल हानि कितना है? 500 रुपए मिला, और लागत मूल्य कितना है? 7000 × 100 परसेंटेज 1 × 2 = 0, 1 0 से ये 0 कट जाएगा भाई, 50/7 परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा? 7 × 7 = 49, 1/50/7 इतने प्रतिशत, 7 × 1 = 7 प्रतिशत, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 7 × 1 = 7 प्रतिशत हानि होगी, है ना? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हानि 7 × 1 = 7 प्रतिशत का। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नया आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।